हेलो फ्रेंड्स, यूनिक स्वाद में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ स्वीट पोटैटो पूड़ी। कई जगहों पे इसे कोन भी कहा जाता है और इसे शकरकंद भी कहा जाता है। तो फिर देर किस बात की, आइए इस शकरकंद की पूड़ी को बनाते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। शकरकंद की पूड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ शकरकंद को अच्छे से बॉयल कर लिया था, जैसे हम आलू को बॉयल करते हैं, और इसे हमने साइड में ठंडा करने के लिए रख दिया था। और जैसे ही ठंडा हो गया, इसके ऊपर के छिलके को हम बिल्कुल हल्के हाथों से निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे शकरकंद के छिलकों को हटा लेंगे। और हाँ, शकरकंद को आप थोड़ा सा और मीठा करना चाहते हैं तो जब आप इसे बॉयल करेंगे ना, तो पानी में थोड़ा सा शुगर ऐड करके इसे बॉयल करिएगा, इससे इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। वैसे तो ये शकरकंद काफ़ी मीठा है, तो मुझे शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहें तो शुगर ऐड करके इसे बॉयल कर लेंगे। मैंने यहाँ सारे शकरकंद के छिलके को अच्छे से उतार लिया है और इसे हमने साइड में रख लिया है। और अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, एक परात ले लेंगे और उसमें सारे शकरकंद को रख के और फोक के हेल्प से ऐसे हम मैश कर देंगे। सेम स्टेप करते हुए हम सारे शकरकंद को अच्छे से मैश कर लेंगे। और यहाँ मैंने अच्छे से सारे शकरकंद को मैश कर लिया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 2.5 कप गेहूँ के आटे को। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा अजवाइन। यहाँ हमने आधा चम्मच अजवाइन ले लिया, इसको हाथों पे अच्छे से मसल के और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया है। और इन सभी को हम अच्छे से मिला देंगे और मिला के इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि शकरकंद ऑलरेडी इसमें है तो उससे ही काफ़ी अच्छे से डो बन जाएगा, तो इसमें हम थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे। और यहाँ शकरकंद की पूरी का डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, छोटे छोटे बॉल बना के इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। और यहाँ मैंने पूड़ियाँ को बेलने के लिए आटे का यूज किया है। आप चाहे तो तेल को यूज करके पूड़ियों को बेल सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम सारी पूड़ियों को अच्छे से रोल कर लेंगे। और हमने यहाँ सारी पूड़ियों को अच्छे से रोल कर लिया है। और हमने यहाँ पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया था, जो कि अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब हम यहाँ बारी बारी सारी पूड़ियों को अच्छे से तल लेंगे। तो फाइनली हमारी शकरकंद की पूड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट पूड़ी बनी है
और इसे आप गोभी आलू की सब्जी के साथ सर्व करें या फिर अपनी मनपसंद सब्जी के साथ सर्व करें, ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो फिर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।